दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुए रोचक मुकाबले में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि दौसा में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा की रीकाउंटिंग की मांग पर 10 मतदान केंद्रों पर रीकाउंटिंग हुई। इसके बाद भी परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आरओ ने कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा को 2300 मतों से विजयी घोषित कर दिया और उन्हें दौसा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए दीनदयाल बैरवा ने कहा कि उपचुनाव में जीत के लिए दौसा की जनता का आभार। उन्होंने कहा कि दौसा में पानी के लिए लाए गए ईसरदा प्रोजेक्ट को गति देने के लिए कार्य करेंगे। ऐसा पहले तो दौसा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, अब मुझे लायक समझा, मेरे को यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजय बनाया। दर्ज कर लिए, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? अब हमारे मुद्दे तो ऐसा है, हम विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभाएंगे। हमारे यहाँ पे सरकार ने कई वादे करे थे इन्होंने जब चुनाव हुए थे, जब उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ पे ईसरदा प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ धीमा चल रहा है उसको तेज गति सदन में बात करेंगे।